पुलिस के टोटल 12 रैंक्स होते हैं जिनकी तरतीब कुछ यूँ हैं। सबसे पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, एआईजी, आईजी, ये इनकी तरतीब है। और अब बात करते हैं इनके स्केल्स की, जिसे बीपीएसपी कहा जाता है। और इस इन रैंक्स की कैसे पहचान की जाए तो आए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आ जाता है कांस्टेबल, जिसका स्केल बीपीएस 5 से लेके 7 के दरमियान हो सकता है। वो डिपेंड करता है सूबे के लिहाज से और उसकी कितनी सर्विस हुई है। और इसके बाद आ जाता है हेड कांस्टेबल, जिसका स्केल बीपीएस 7 से लेके 9 के दरमियान कोई भी हो सकता है। वो उसकी सर्विस कितनी मुकम्मल हो चुकी है और सूबे के लिहाज से होगा। और इसके बाद आ जाता है एएसआई, जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहा जाता है, जिसकी पहचान इनके कंधे पे एक स्टार वाला फूल लगा होगा। और इनका बीपीएस 9 से लेके बीपीएस 11 के दरमियान कोई भी स्केल हो सकता है। वो डिपेंड करता है, वो इनकी सर्विस और उनकी सूबे के लिहाज से ही होगा। फिर आता है एसआई, जिसे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहा जाता है, जिनका स्केल बीपीएस 14 होता है और इनके कंधे पर दो स्टार लगे होते हैं, जो चार कोने वाले स्टार होते हैं। और फिर आ जाता है इंस्पेक्टर, जिनका बीपीएस स्केल 14 होता है, जिनको ज़्यादातर एसएचओस पुलिस स्टेशन तैनात किया जाता है। और फिर आता है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका बीपीएस स्केल 17 होता है। और इसके बाद आता है एएसपी, जिसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, ये डायरेक्ट सेलेक्ट होके आते हैं। उसके बाद आ जाता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका स्केल बीपीएस 18 होता है। और उसके बाद बारी आती है एसएसपी, जिसको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, जिसका बीपीएस स्केल 19 होता है। और बारी आती है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बीपीएस स्केल 20 होता है। और फिर एआईजी, जिनको एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, जिनका बीपीएस स्केल 21 होता है। फिर आता है सबसे सीनियर रैंक, जिसे आईजी कहा जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका बीपीएस स्केल 21 से 22 के दरमियान कोई भी हो सकता है।